हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से बार बार आता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सुमेरियन सभ्यता, सेकंड में दिया हुआ है बेबीलोनियन सभ्यता, थर्ड में दिया हुआ है असीरियन सभ्यता और फोर्थ में दिया हुआ है केल्डियन सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता सुमेरियन सभ्यता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ ऑप्शन में मिस्र, सेकंड में दिया हुआ चीन और थर्ड में दिया हुआ सिंधु घाटी और फोर्थ में दिया है मेसोपोटामिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ काला सागर, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ लाल सागर, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ भूमध्य सागर, फोर्थ में दिया हुआ कैस्पियन सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर, रोमन का पहला सम्राट कौन बना। रोमन का पहला सम्राट कौन बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगस्टन सीजर। अगस्टन सीजर रोमन का पहला सम्राट बना था। फाइव नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो फर्स्ट में दिया हुआ चित्रलिपि, सेकंड में दिया हुआ किलाक्षर लिपि और थर्ड में दिया हुआ ये और भी दोनों और फोर्थ में दिया हुआ इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलाक्षर लिपि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, डच इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। डच इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1602 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवन नंबर, मंगोलों का उदय किस प्रदेश में हुआ। मंगोलों का उदय किस प्रदेश में हुआ, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन में दिया हुआ मध्य एशिया में, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ पूर्वी एशिया में, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ यूरोप में और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का, इसका सही हो जाएगा मध्य एशिया में, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा मध्य एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं एट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, तांबा एवं टीन मिलाकर बनने वाली धातु क्या कहलाती है। तांबा एवं टीन मिलाकर बनने वाली धातु क्या कहलाती है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ पीतल, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ चांदी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ सोना और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ कांस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य, ऑप्शन नंबर फोर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब्बासी क्रांति कब हुई। अब्बासी क्रांति कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 750 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेन नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है। ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ रोम, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ मिस्र और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ यूनान और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इलेवन नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ सूर्य, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ चंद्र और फोर्थ थर्ड में दिया हुआ जल और फोर्थ में दिया हुआ पवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा न्यू गिनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा बद्दू, बद्दू इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर, मेसोपोटामिया कहाँ था, मेसोपोटामिया कहाँ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का इराक में, इराक में ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर, वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है, वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, मैराथन का युद्ध कब हुआ था, मैराथन का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 490 ईस्वी ईसा पूर्व, 490 ईसा पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, शेक्सपियर कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड का महान नाटककार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचनाकार कौन थे, रचनाकार कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, तो 1914 से लेकर 1918, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर, जर्मनी किस महादेश में है, जर्मनी किस महादेश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप, यूरोप महादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर, धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे, धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर, अब्बासी खिलाफत की राजधानी कहाँ थी, अब्बासी खिलाफत की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बगदाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, गिरा युद्ध का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह से, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर में पूछ रहा है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्दुक, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा मर्दुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, ट्रेसल 20 क्या है, तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ मिट्टी का बर्तन, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ लोहे का बर्तन, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ कांच का बर्तन और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ पीतल का बर्तन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, असुर बेनीपाल कहाँ से कहाँ के शासक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का असीरिया, असीरिया के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, पहले खलीफा कौन बने, पहले खलीफा कौन बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबू बकर, अबू बकर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर में पूछ रहा है मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इननी, इननी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त था, मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीन वर्गों में विभक्त था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ जापान, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ अमेरिका और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ भारत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 35, पदवा विश्वविद्यालय किस देश में था, पदवा विश्वविद्यालय किस देश में था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में, इटली में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36,
क्यूटो का नया नाम क्या है? क्यूटो का नया नाम क्या है? पहला ऑप्शन में दिया टोकिया, दूसरा ऑप्शन में दिया ओसाका, तीसरा ऑप्शन में दिया नागोया और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ सफोरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसाका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37। 37 में पूछ रहा है ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिगोरी, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिगोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38। अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो पहला ऑप्शन में दिया कश्मीरी, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ संस्कृत और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ अरामेइक और चौथा ऑप्शन में दिया अरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरामेइक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका चीन, सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनीवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बेबीलोन मेसोपोटामिया का प्रथम शहर बन गया तो कब बना था? तो ये हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45। मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग समृद्धि तथा शहरी जीवन के लिए, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ विशाल तथा समृद्ध साहित्य के लिए, तीसरा ऑप्शन में दिया गणित तथा खगोल विद्या के लिए और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46। 46 में दिया हुआ है मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदियों के बीच का हिस्सा था। मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदियों के बीच का हिस्सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इराक का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा इराक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47। 47 में पूछ रहा है मेसोपोटामिया शब्द का उत्पत्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा से, यूनानी भाषा से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछ रहा बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। अफीम युद्ध का अवधि क्या थी? अफीम युद्ध का अवधि क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1839 से लेकर 1947 तक, यहाँ पे हो जाएगा 1947, यहाँ पे टेपिंग गिरा था, यहाँ पे 1947 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट। बैंक ऑफ इंग्लैंड के स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1694 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1694 ईस्वी में। तो इसी प्रकार हम लोग का 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है और एग्जाम में इसी के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग अपने नोट्स में नोट्स कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।